आज मौजूद है एमसीडी ऑफिस पटपड़गंज पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं मनोज कुमार त्यागी जी। उनसे हम बात करेंगे। अभी नई लिस्ट आई है दिल्ली नगर निगम की, तीनों वार्डों की, साउथ दिल्ली नगर निगम और आपकी नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और ईस्ट दिल्ली नगर निगम की। तो इसके बारे में बात करेंगे, आखिर उनका क्या एजेंडा है और किस तरीके से वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगी सीट की, और उनके किस किस तरीके से एजेंडे को लेके, किस मुद्दों को लेकर वो आगे जाएंगे एमसीडी के चुनाव में। आइए बात करते हैं मनोज कुमार त्यागी जी से। अभी चुनाव आयोग ने अपना ये लिस्ट जारी की है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पायरेटेड लिस्ट है ये। जिस तरीके से हमने शेड्यूल कास्ट वार्ड्स में भी देखा है, जो पहले एससी रिजर्व थे, उसके अंदर पहले ये था कि 70% और 50% और 60% जो पॉपुलेशन थी वही वार्ड जो थे वो रिजर्व थे, लेकिन अभी देखने में आया कि 15-20% वार्ड पॉपुलेशन वाले वार्डों को भी ऐसी रिजर्व कर दिया गया है, जिससे मैं समझता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है, जो वीमेंस हैं, उनका कहीं ना कहीं उनको इसमें दिक्कत आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काउंसलर्स पहले जिन सीटों पर चुनाव लड़े थे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, उनका बहुत ज़्यादा अपनी सीटों पर विरोध था, क्योंकि उन्होंने दबा के भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों के अंदर किया है, चाहे बिल्डिंग का मामला हो, चाहे सीलिंग का मामला हो, चाहे वेटनरी का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर चरम पे आ चुकी है। आज आप देखते हैं कि कोई भी मामला होता है निजीकरण की तरफ चला जाता है, सैलरी की बात आती है कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल पाती, स्लॉटर की बात हो वहाँ भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल की बात हो वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, सड़क निर्माण का मामला हो वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, नालियों के ऊपर पुलिया बनाने का मामला हो, तो मैं आपको बता दूं कि निगम के अंदर 165 पुलियों का मामला आज भी गर्म है, जो बनी ही नहीं और उसकी पेमेंट कर दी गई। तो भाजपा शासित नगर निगम के अंदर लगातार भ्रष्टाचार चरम पे रहा है, पिछले 15 सालों के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार किया है, जिससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त थी और त्रस्त है, और जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। तो इन्होंने एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पहले बोला था नए परिंदे नई उड़ान, नए चेहरे नई मुस्कान, आज ये कुछ ऐसा ही कुछ स्लोगन देंगे और ये लेकर के आएंगे। इनको एक मौका मिल गया नए कैंडिडेट लाने का, उनसे मोटी मोटी रकम लेके इनके नेता उनको टिकट बेचने का काम करेंगे, बाद में वो लोग आकर के निगम के अंदर निगम को बेचकर अपने पैसे उगाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मतलब है भ्रष्ट पार्टी, तो ये भ्रष्ट पार्टी है और भ्रष्ट पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बेशक ये इलेक्शन कमीशन ने किया है या इनके दबाव में किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत निर्णय है। देखिए ऐसा तो है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की जनता के दिलों में बसी हुई है, आज दिल्ली की जनता मन बना के बैठी हुई कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। वो कोई भी कैंडिडेट आए, कोई भी प्रत्याशी आए, कोई भी सीट हो, अनुसूचित हो, रिजर्व हो, जनरल हो, महिला हो, कोई भी कैटेगरी की सीट हो, वहाँ पे दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, निगम का भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, मिटाना है, तो उसके लिए चुनाव होगा। ये तो देखिए सबसे प्रमुखता तो ये है कि दिल्ली की जनता के ऊपर जो टैक्स का बोझ लगातार बढ़ाती जा रही है भाजपा, उसके लिए सोचना है। दूसरा मामला है निजीकरण का, उसके लिए सोचना है। तीसरा मामला कर्मचारियों की तनख्वाह को लेकर के है, उसका सोचना है। जो कर्मचारी स्थायी नहीं किए जा रहे उनके बारे में सोचना है। जो डीबीसी कर्मचारी आज तक उनके पास कोई नामित पोस्ट ही नहीं है, उनके बारे में सोचना है। तो काम करने को बहुत है निगम के अंदर, तो अथाह काम है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ में अगर हम जाएं तो काम ही काम है, इतने काम करने की ज़रूरत है। SLF साइट की बात करें या हमारे गलियों के अंदर पड़े कूड़े की बात करें या घरों के अंदर से गीला सूखा कूड़े के सेग्रीगेशन की बात करें, तो तमाम चीज़ों पे बहुत काम है करने के लिए। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ काम किया नहीं है 15-20 वर्षों में। यहाँ जो भी करेंगी आम आदमी पार्टी आके निगम के अंदर काम करने का काम है। दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये निगम का चुनाव है। निगम का चुनाव निगम के मुद्दों पर होता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि माननीय मोदी जी के नाम पर ही पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर वोट मांगने का काम करेंगे। हमारे नेता ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, दिल्ली की जनता को दिल्ली सरकार के अंदर तमाम काम करके दिखाए हैं। आज दिल्ली के अंदर 75 जगह पे अलग अलग झंडे, तिरंगे झंडे लगे हैं 115 मीटर के, वो देश प्रेम की भावना को जागृत करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये
हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये आए, एक ही दिन में 75 झंडों का इनॉग्रेशन हुआ, 75 झंडे एक साथ लहरे हैं 115 फुट हाइट के, ये अलग ही दृश्य होगा। इसमें अभी जो एमसीडी का जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर वसूली चल रही है, क्या आप इसको बंद करवा देंगे? देखिए, हम एमसीडी के अंदर मैंने कहा नई नीति लेके आएंगे, नई नीति पॉलिसी पॉलिसी नहीं, पॉलिसी तो कभी ओपन नहीं की जाती, पॉलिसी तो काम किया जाता है पॉलिसियों पर, पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी में तो है भी नहीं ना वसूली, नहीं वसूली के लिए नहीं, हम वसूली ना करने के लिए कानून लाएंगे। हाँ। वसूली करने के लिए तो यही लोग बहुत हैं। आपकी पार्टी क्या करेगी, यही पूछ रहा हूं। हमारी पार्टी उस पर कोई पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी बनाएगी जिससे जनता के लिए एक सुदृढ़ कोई पॉलिसी तैयार करेगी, जिससे जनता को रोज रोज इनसे डरना ना पड़े। हाँ। अपनी लाखों रुपए की संपत्ति जो जमीन खरीदती है और ये क्या करते हैं, उस पर हथौड़ा, पैसे ना देने पर उस पर हथौड़ा चला के उसको सील कर देते हैं। वो बेचारे ना उसको इस्तेमाल कर पाते ना कुछ कर पाते, सारी जिंदगी की कमाई उस मकान में लगी होती है। तो इनकी जो भ्रष्टाचार की जो चेन है उसको तोड़ना है आम आदमी पार्टी।